आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज टन इन एयर कंडीशनर एंड हाउ टू कन्वर्ट टन टू किलोवाट। मतलब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी के अंदर टन क्या होता है और साथ साथ हम यह देखेंगे कि आखिर एक टन को किलोवाट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम नंबर वन क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर एसी में टन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जब भी हम टन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है 1000 किलो, क्योंकि आप सभी ने सुना है एक टन का मतलब क्या होता है 1000 किलो। तो क्या यह सही है? तो दोस्तों हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि एक टन का मतलब 1000 kg होता है। और यहाँ पर जो एसी के अंदर एक टन लिखा गया है इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका मतलब भी यही होता है 1000 किलो। पर अब आप यह बोलेंगे कि हमारी जो एसी होती है उस एसी का वजन 1000 किलो तो होता नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों बता रहे? तो दोस्तों यह भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, जब हमारी एसी का वजन 1000 किलो है ही नहीं तो आखिर हम उसको एक टन की एसी क्यों बोलते हैं। दोस्तों इस सवाल को समझने से पहले आप एक पॉइंट जान लीजिए, यह पॉइंट आपके इस वीडियो के साथ साथ और भी कई जगह काम आने वाला है। दोस्तों हमारी फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान हमें यह बताता है कि हम इस दुनिया में कहीं पर भी दो चीजें कभी भी पैदा नहीं कर सकते, मतलब दो चीजें कभी नहीं बना सकते। सबसे पहली चीज, मैं कहीं पर भी डार्कनेस पैदा नहीं कर सकता हूं, मतलब अंधेरा कहीं पर भी नहीं कर सकता हूं। और सेकंड चीज, मैं कहीं पर भी कूलिंग खुद के तौर पे पैदा नहीं कर सकता हूं। अब दोस्तों आखिर आप बोलेंगे कि कूलिंग तो हम कर रहे हैं ना, एसी की मदद से हम कूलिंग कर देते हैं और डार्कनेस हम कर देते हैं, हमारी लाइट बंद कर देते हैं तो डार्कनेस हो जाती है। तो दोस्तों आखिर फिजिक्स हमें क्या बताना चाहता है? तो वो हमें यह समझाना चाहता है कि हमारी जो पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी का जो रंग है वो हमारा ब्लैक है, मतलब पूरी जगह हमारा अंधकार ही अंधकार है। हम वहां पे एक रोशनी दे देते हैं, मतलब जैसे सन होता है तो हमारा जो सन मतलब सूरज जो है वो हमारे रोशनी पैदा करता है तो हमारे उजाला हो जाता है। पर अगर हम सूरज को हटा दें, हम सारी लाइट को हटा दें, तो हमारे सामने जो चित्र आएगा वो आएगा हमारे पास डार्कनेस, मतलब हम डार्कनेस को कभी भी पैदा नहीं कर सकते। अगर हमने लाइट हटा दी तो हमारे पास डार्कनेस ही डार्कनेस हो जाएगी, पर इसको कहीं पर भी पैदा नहीं किया जा सकता। और सेकेंड चीज दोस्तों, कूलिंग। कूलिंग का मतलब कहीं पर भी मैं ठंडक को पैदा नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे हम फ्रिज के अंदर ठंडक को पैदा करते हैं, हम वहाँ पे कंप्रेसर लगाते हैं, हम वहाँ पे कंडीशनर लगाते हैं, वो सब लगा के हम कूलिंग कर लेते हैं। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे एसी होते हैं या फिर हमारे जो फ्रिज होते हैं, इनका असलियत में काम क्या होता है, ये हमारे गर्मी को खत्म करने का काम करते हैं, ना कि हमको कूलिंग देते हैं। तो इस बात का आपको आगे से ध्यान रखना है कि हम कहीं पर भी डार्कनेस और कूलिंग ये दोनों चीज पैदा नहीं कर सकते। और अगर हम कहीं पर अंधेरा करना चाहते हैं तो हमको वहां से लाइट हटानी पड़ेगी, और अगर हम कहीं पर कूलिंग करना मतलब कहीं पर हम ठंडक चाहते हैं तो वहां से हमको जो भी हीट है उस हीट को हटाना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम हमारे फ्रिज का ही एग्जांपल ले तो फ्रिज हमारा क्या काम करता है? फ्रिज हमारे जो हमारे फल फ्रूट जो भी चीजें हैं उन सभी की जो हीट है, हीट एनर्जी है, उस हीट को खत्म करने का काम करता है। और जब उन सभी की हीट खत्म हो जाती है तो हमारे वहां पे कूलिंग पैदा हो जाती है। तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझ लेने के बाद में हम वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर हम हमारी एसी को टन में क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों एसी को टन में बोलने के पीछे का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पुरानी हिस्टोरी समझनी पड़ेगी। पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में आप सभी को पता है कोई भी एसी फ्रिज ये सब तो हुआ नहीं करते थे। अब हमको कहीं पर भी कहीं पे भी कुछ भी कूलिंग करनी होती थी। जैसे अगर हमको इस नंबर वन मकान को ठंडा करना है तो हम क्या करते थे पहले के समय? तो उस समय हम कई सारी आइस मतलब बर्फ को लेके आते थे और हमारे रूम के अंदर लाके रख देते थे। अब यह जो रूम के अंदर हमने बर्फ रखी, ये हमारी बर्फ क्या काम करती थी? ये वहां से हमारी हीट एनर्जी को खत्म करने का काम करती थी। अब दोस्तों जब इस तरीके से कूलिंग की जाने लगी तो उस समय एक और पॉइंट उठ के आया था कि आखिर हमारी जो आइस है वो आइस कितनी हीट को खत्म कर रही है, उसकी भी कैलकुलेशन आ चुकी थी। वो आखिर कितनी हीट को खत्म करती थी? तो हमारी जो एक टन की जो आइस थी मतलब 1000 किलो जो आइस था वो हमारे 12000 BTU गर्मी को खत्म कर देती थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक टन जो हमारी बर्फ होती है वो हमारे 12000 BTU को फिनिश करती है, मतलब 12000 BTU को खत्म करने का काम करती है। अब दोस्तों कुछ समय तक तो सेम ऐसा ही चलता रहा, पर जब हमारी दुनिया मॉडर्न हुई तो उस समय हमारी एसी को बनाया गया, और एसी का भी जो नाम है वो एसी का नाम हमारे इस टन के ऊपर ही रखा गया कि हम पुराने समय में आइस रखते थे 1000 किलो, तो उसी हिसाब से हमारे एसी का भी नाम रखा गया। कि एसी का नाम आखिर किस तरीके से रखा गया? तो वो इस तरीके से रखा गया कि हमारी जो एक टन की बर्फ है मतलब 1000 किलो बर्फ है, वह बर्फ हमारे एक घंटे के अंदर कितनी हीट खत्म कर रही है, सेम हीट हमारे एक टन का एसी एक घंटे के अंदर रूम में से खत्म कर देता था। तो इसीलिए हमारे जो एसी है उस एसी का नाम टन रखा गया। और यह जो टन होता है, यह टन हमें इंडिकेट करता है बर्फ के बारे में कि हमारा जो एक टन का एसी है वो एक टन का एसी जितनी हमारे एक टन की बर्फ है, एक टन की मतलब 1000 किलो जो बर्फ है वो 12000 BTU हीट को खत्म कर रही है, वही सेम हमारा एक टन का एसी भी 12000 BTU को खत्म कर देगा। तो इसी तरीके से हमारा टन काम करता है। दोस्तों अब हमको यह तो समझ में आ गया कि आखिर एसी में टन क्या होता है। अब हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं कि आखिर टन को किलोवाट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है।
तो दोस्तों इसे निकालना भी काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि जब साइंस के द्वारा हमें यह बताया गया था कि एक टन जो आइस होती है वो हमारे 12,000 BTU के बराबर होती है, तो इसी के साथ में हमें यह भी बताया गया था कि हमारा जो 12,000 BTU होता है, इस 12,000 BTU के अंदर 3,516 वॉट होते हैं। और इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे जो एक टन AC होती है वो एक टन AC हमारे 5,716 वॉट के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों अभी आप सभी के मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि जब हम हमारी AC की नेम प्लेट पे जाते हैं तो हमको वहां पे इतने वॉट नहीं मिलते हैं, अगर हम एक टन की AC पे जाएंगे तो हमको वहां पे 3,516 वॉट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आखिर यह किस तरीके से होता है वो भी हम जान लेते हैं। इसके पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास अभी 1.5 टन की एक AC है, तो आखिर वो हमारी कितने किलोवाट की AC होगी। तो अब यह निकालना तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो एक टन की AC होती है वो होती है 3,516 वॉट के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3,516 × 1.5, तो इसको गुणा करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो आता है 5,274 वॉट। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो सवाल था, हमको यहाँ पे रेटिंग किलोवाट के अंदर पता करनी थी, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे वॉट आया, तो हमको इस वाट को किलोवाट में बदलना होगा। तो इसके लिए काफी ज्यादा आसान है, हम इसके अंदर 1,000 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे 3 जीरो होने के कारण यहाँ पे 3 संख्या के बाद में हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास जो किलोवाट निकल गएंगे वो आएंगे 5.274 किलोवाट। मतलब कि हमारी जो 1.5 टन की AC होगी वो हमारी 1.5 टन की AC 5.27 किलोवाट के बराबर होगी। अब इस कैलकुलेशन के बाद में हम हमारे अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमने कैलकुलेशन से तो इतनी रेटिंग आ गई, पर असलियत में जब हम AC की नेम प्लेट पे जाते हैं तो हमको कुछ और ही रीडिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक ये नेम प्लेट लेके आया हूँ। ये नेम प्लेट हमारे LG के 1.5 टन की AC की नेम प्लेट है। इस पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास जो इसकी रेटिंग है वो रेटिंग है हमारे 1500 वॉट की। मतलब हमारा जो ये AC है 1.5 टन का, ये 1.5 टन का AC मात्र 1.5 किलोवाट का ही होगा। लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन में आया था वो आया था कि हमारी 1.5 टन की 5,274 किलोवाट की होनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर इन दोनों में से सही कौन सा है? तो दोस्तों कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रेटिंग आ रही है वो आ रही है 5.274 किलोवाट, मतलब 5,274 वाट। और अगर आप सेम चीज AC की नेम प्लेट पे भी जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, 5,275 वाट, और हमारे पास क्या आया था, 5,274 वाट। मतलब ये दोनों चीजें सेम है। आप किसी भी AC की नेम प्लेट पे जाके देखेंगे तो आपको वहां पे 2 वाट देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, और सेकंड चीज इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5,274 वाट। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये कैलकुलेशन कहीं पे भी गलत नहीं है, पर फिर भी हमारे सामने सवाल यह आता है कि आखिर यह पावर फिर किस चीज की है। तो दोस्तों इसके पीछे का आंसर आता है कि आप सभी ने देखा है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं उसकी रेटिंग होती है हमारे स्टार के अंदर। कोई हमारी नंबर 1 स्टार होती है, कोई हमारी नंबर 2 स्टार होती है। ये जो स्टार के ऊपर रेटिंग होती है उसी के ऊपर हमारे डिपेंड करता है कि हमारा जो पावर, ये पावर कितना कंजप्शन करेगी। तो अब अगर आप ये नेक्स्ट इमेज को देखेंगे तो ये हमारे एनर्जी कॉस्ट सेविंग बताते हैं, जो कि 1.5 टन की विंडो AC और स्प्लिट AC की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टार रेटिंग लिखी आ रही है, तो ये नंबर 1 स्टार, नंबर 2 स्टार, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक एफिशिएंसी रेशियो चलता है जो हमारे स्टार रेटिंग के साथ में आता है। इसके आगे है दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपको सभी के अंदर सेम दिख रहा है 5,200 वाट, पर आगे आप देखेंगे इनपुट पावर, मतलब हमारा जो AC है वो कितनी पावर को कंजप्शन करेगा, वह पावर हमारे स्टार रेटिंग के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा जो 5 स्टार का AC है वो हमारा 1,667 वाट के ही बराबर है। तो दोस्तों अब इन सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि AC में टन क्या होता है, आखिर टन को किलोवाट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और हम जो कैलकुलेशन करते हैं आखिर वो हमारे AC की नेम प्लेट से मैच क्यों नहीं होती है। और दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि कभी भी हमारा जो स्टार रेटिंग होती है वो हर साल चेंज होती रहती है, हर साल अपडेट होती है। ऐसा नहीं कि हमारा जो 2015 का सिंगल स्टार का AC अगर वो हमारे 1800 वॉट का है तो हमारा जो 2020 में नया जो AC आया सिंगल स्टार का वो भी हमारा 1800 वॉट लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो स्टार रेटिंग है वो हर साल अपडेट होती है। अगर आपको स्टार रेटिंग को अच्छे से समझना है, एनर्जी कंजप्शन को अच्छे समझना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक जल्द से जल्द डिटेल में स्टार रेटिंग के ऊपर भी वीडियो बना पाऊं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।